यांची शोकसभा सुरू आहे नवी दिल्लीत. त्या ठिकाणी पंतप्रधान बोलतात. खेड साहू. वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे. पिछले दिनों उनके लिए जो लिखा गया है, उनके लिए जो कहा गया है और अभी भी अनेक महानुभावों ने जिस प्रकार से अपनी स्मृतियों को यहां ताजा किया है, इस सबसे हम अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितनी विविधताओं से भरा हुआ था. अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं. कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी, शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता हूं. वे बीमार थे और उनकी बीमारी कोई आज की नहीं थी. बहुत छोटी आयु में डायबिटीज से लेकर के वो कई समस्याओं से जूझते रहे, लेकिन आखिरी दिन तक अगर आप सामने से पूछने की कोशिश करें तो भी वे न अपनी बात बताने के लिए समय बर्बाद करते थे, न ही स्वास्थ्य के लिए कुछ बताते थे. वो जब भी बात करते थे देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए, यानी मन मस्तिष्क पूरी तरह देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए रम गया था. उसी में वो रममाण थे, उसी में वो खोए हुए थे और शायद यही उनकी ऊर्जा थी, यही उनका सामर्थ्य था. आमतौर पर जो पहली बार उनका कोई क्लाइंट उनके पास जाता था तो बड़ा निराश होकर के आता था. उसको लगता था कि मुझे इनके पास कहां भेज दिया. जब मैं उनको मेरा केस बता रहा था वो तो टीवी देख रहे थे, जब मैं अपनी समस्या समझा रहा था तो खाने का ऑर्डर कर रहे थे. उन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं, कल पता नहीं कोर्ट में मेरा क्या होगा. यानी एक प्रकार से उस मुलाकात में वो निराश होकर के जाता था, लेकिन जब कोर्ट के अंदर वो उनको सुनता था तो उसको आश्चर्य होता था कि इस व्यक्ति के पास वो कौन सी प्रतिभा है कि मैंने मुश्किल से दो चार वाक्य मेरे कहे लेकिन उसने मुझे पूरा पढ़ लिया, मेरी समस्या को जान लिया और कानूनी युद्ध के लिए अपने आप को खड़ा कर दिया और वो केस जीत गए. ऐसे आपको अनेक घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी. कैबिनेट में भी मैं हमेशा एक कमी महसूस करूंगा, क्योंकि इनके पास
हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास की, शासन व्यवस्था की एक प्रकार से मेमोरी का डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया पूरी तरह भरा पड़ा था। और इसलिए कोई भी विचार हमारे सामने आता है तो बड़ी आराम से कहते हैं, देखो उस समय ऐसा हुआ था, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है, और सही निर्णय करने में इस प्रकार की पुरानी घटनाओं के मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है, निर्णय के तरीकों का उस पर प्रभाव होता है। और अरुण जी का ये सामर्थ्य मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन के लिए एक अनमोल अनमोल रत्न था। जीवन इतना विविधताओं से भरा हुआ था, दुनिया की कोई भी लेटेस्ट चीज की बात निकालिए वो पूरा कच्चा चिट्ठा उसका खोल देते थे, इतनी जानकारी रखते थे। उनका एक स्वभाव था हर चीज को पकड़ लेना, और वो वन लाइनर के लिए तो जाने जाते थे, हर बात को वन लाइनर से अपना वो पूरी तरह प्रस्तुत कर देते थे। मीडिया वालों के बहुत प्रिय थे वो, क्योंकि उनको जो चीज को पाने के लिए 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़े, अरुण जी को मिलने तो 8-10 मिनट में मिल जाती थी कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, और आप अगर ये सोचते हैं तो गलत है, ये सोचोगे तो ठीक हो। और बाय एंड लार्ज वो मीडिया वालों के भी एक बार मददगार हुआ करते थे। यानी ऐसा